हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ सम संख्या एंड विषम संख्या। तो देखिए, सम संख्या क्या आती है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स, ठीक है ना। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। सम संख्या की परिभाषा देखिए आप, जिस संख्या का इकाई अंक, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक किसे कहते हैं? जो संख्या के, जैसे मैंने आपको मैं बताता हूँ, ये मैंने लिख दिया 7, 6, 8, 768, तो ये है इकाई अंक, ये है दाई अंक, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से हो तो उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखना, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिए, सम संख्या वही होगी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और ये कंडीशन आप याद रखना, 0, 2, 4, 6 अथवा 8, ये इकाई अंक होना चाहिए, ठीक है ना, वही सम संख्या होगी। आगे देखिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है 5, 7, 9 और 8, इसमें से आपको छांटना कि सम संख्या कौन सी है, ठीक है ना। इसमें से आपको छांटना सम संख्या कौन सी है। 5 देखिए है, नहीं है। 7 नहीं है, 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। 9 में नहीं जा रहा है, 8 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 8 इसमें सम संख्या है, ठीक है ना। दूसरे देखिए, 3, 3 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 11 में नहीं जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो 4 क्या है हमारी सम संख्या, ठीक है ना। आपको याद रखना है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए वो सम संख्या है, ठीक है ना। चौथा देखिए, 10 जा रहा है क्या? 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, जा रहा है, तो 10 ही हमारी सम संख्या। 15 में नहीं जा रहा है, 13 में नहीं जा रहा है और 9 में भी नहीं जा रहा है, तो हमारी सम संख्या इसमें से कौन सी है? 10, ठीक है ना। अब ये देखिए पांचवा एग्जाम्पल, 19 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 25 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 23 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। आप देख ही देख लीजिए कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। 12 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो क्या है, 12 हमारी सम संख्या है, ठीक है ना। आगे देखिए छठा एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब हमें ऐसी बड़ी बड़ी संख्या दे देते हैं पेपर में, ठीक है ना। आपको याद रखना है, जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से आप सामने एक इकाई अंक है, ये सम संख्या है क्या? नहीं है ना। 3 इकाई अंक है, ये भी सम संख्या नहीं है। 5 है इकाई अंक, ये भी सम संख्या है। इसमें 2 इकाई अंक है, ये सम संख्या है, तो हमारी सम संख्या कौन सी होगी? 682, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सातवां एग्जाम्पल, इसमें इकाई अंक आपको देखना है, तो 2 है तो ये सम संख्या है, 3 है ये विषम संख्या है, ये क्या है? विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में इनमें से हो वो सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 2। ये हमारी सम संख्या कौन सी? 542, ठीक है ना। और ये देखिए इकाई अंक इसमें क्या है? 5, ये सम संख्या है? नहीं है। इसमें क्या है इकाई अंक? 6, ये हमारी क्या है? सम संख्या है। इसमें क्या है इकाई अंक? 1, तो ये हमारी सम संख्या है क्या? नहीं है, तो हमारी सम संख्या होगी 4876, ठीक है ना। आपको याद रखना है। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर्स, ठीक है ना। अब विषम संख्या की परिभाषा देखिए आप,
जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 अथवा 9 में से हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। आपको याद रखना ये लाइन, ठीक है ना? ये ठीक है ना? जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 अथवा 9 में से हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना? दूसरी परिभाषा देखिए, सभी विषम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, ये याद रखना है। 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे कहते हैं विषम संख्या, ठीक है ना? और ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, ठीक है ना? ये याद रखना आपको, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है, ठीक। अब इसके उदाहरण देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए इसके। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो हमारी ये विषम संख्या नहीं है। इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, विषम संख्या नहीं है। इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो विषम संख्या नहीं है। 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो 5 क्या है? हमारी विषम संख्या, ठीक है ना? अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 10 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, तो हमारी विषम संख्या कौन सी होगी? 3, ठीक है ना? याद रखना आपको। आप देखिए, 13 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, भाग दे के देख लो, ठीक है ना? 13 में नहीं जा रहा है, 12 में 2 का जा रहा है, 8 में 2 का जा रहा है, 10 में 2 का जा रहा है, ठीक है ना? अब हमारी विषम संख्या कौन सी होगी? 13, ठीक है ना? याद रखना आप। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए, 16 में 2 का भाग पूर्व जा रहा है, 20 में जा रहा है, 22 में जा रहा है, 19 में नहीं जा रहा है, ठीक है ना? आपको याद रखना है। अब इकाई अंक से भी आप इसे देख सकें। देखिए, इकाई अंक मैंने क्या बोला था? इकाई अंक मैंने बोला था 1, 3, 5, 7 और 9। इसमें इकाई अंक क्या है? 3। इसमें इकाई अंक क्या है? 2। इसमें इकाई अंक 3, तो हमारी विषम संख्या कौन सी होगी? ये वाली। इसमें इकाई अंक देखिए 6, नहीं है। इसमें इकाई अंक देखिए 0, नहीं है। इसमें इकाई अंक देखिए 2, नहीं है। इसमें इकाई अंक देखिए 9, देखिए है ना, ठीक है ना? अब आगे देखिए, अब ये देखिए इकाई अंक देखना आपको इसमें, ठीक है ना? इतनी बड़ी संख्या में भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसमें इकाई अंक दी, इसमें इकाई अंक 2 है, और इसमें इकाई अंक 6 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 3 है, तो विषम संख्या कौन सी होगी हमारी? ये होगी 63, ठीक है ना? इकाई अंक विषम संख्या वो है जिसके इकाई अंक में पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 लगा हुआ, ठीक है ना? अब इसके इकाई अंक में देखिए 3 है, इसके इकाई अंक में 6 है, इसके इकाई अंक में 7 है, इसके इकाई अंक में क्या है? 6। तो हमारी विषम संख्या होगी 643, ठीक है ना? अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या में आप भाग दे के नहीं देख सकते, ठीक है ना? आपको इकाई अंक याद रखना है, और इसमें तो आपको याद रखना है कि 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है ना? अब इसमें इकाई अंक देखिए 2 है, इसमें इकाई अंक देखिए 6, इसमें इकाई अंक देखिए 3 है, तो हमारी विषम संख्या कौन सी होगी? 1043, ठीक है ना? तो दोस्तों धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।